हेलो दोस्तों, लेके हैं आपके लिए नया व्लॉग। वैसे तो मैं आज कुछ शॉपिंग करने आया था, कुछ सामान लेने आया था, तो मेरा फ्रेंड है वो आ रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो वीडियो मैंने आपको बोला था जिसमें मैं आपको नंबर दूंगा, तो इसी वीडियो में नंबर दूंगा। उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो भाई वो नंबर मैं मेरा देने जा रहा हूँ, यहाँ का क्रोशिया का लोकल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि एक तो फ़ोन मत करिए भाई, जिसको भी कुछ बात पूछनी है और है वॉइस मैसेज भेजो, मैसेज में लिख के भेजो, वॉइस मैसेज भेजो और उसमें लिखो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं हो, सारा कुछ लिख के भेजो। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। पहले वाले नंबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चल रही थी कि उसमें क्या है कि मैं इंडिया में काम करता था, जो भी करता था, चलो मेरा बिजनेस था मोबाइल का और का, तो वो भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे, बहुत सारे ग्रुप थे, बहुत से लोगों के पास नंबर थे। तो उसमें क्या है कि बहुत से वो उनके मैसेज आते, घर वालों के, फैमिली के, सबके मैसेज आते, तो वो मैंने व्हाट्सअप हटा दिया है। अभी ये व्हाट्सअप ओपन किया है, ये इसमें एक भी घर वालों का नंबर नहीं है, इसमें सिर्फ ये नंबर कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, यूट्यूब के लिए, और यही मेरा पर्सनल नंबर होगा क्रोशिया का। अगर कोई भाई आता है, मेरा क्रोशिया का खुद का जो पर्सनल नंबर है वही मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई मैसेज करियो, कॉल मत करियो। जिसको भी बात करनी है वो मैसेज छोड़ सकता है कि भाई मेरे को बात करनी है अर्जेंट और मैं उससे ज़रूर बात करूँगा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। तो मैंने मेरा शेड्यूल है वो चेंज कर लिया है अभी, तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको सबको बात करूँगा, सबके जवाब दूँगा। किसी को तुरंत जवाब मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, जिन भाइयों को मिलता है उनको अच्छे से पता है कि जवाब मिलता है। बाकी मैं आज आया हूँ भाई जेड सेंटर, यहाँ से मेरे को कुछ लेना है, मैं और मेरा फ्रेंड आ रहा है, हम कुछ लेंगे। बाकी बहुत से नंबर मैं आपको और ही प्रोवाइड करूँगा जो हमारे भाई के हैं, जो मतलब मेरे साथ में जो वही काम कर रहे हैं, किसी की भाई की प्रॉब्लम में है, कोई जॉब चाहिए, किसी को और चाहिए, जिनके पास वैकेंसीज है। वो ये है कि वो मेरे साथ में, ये नहीं है कि इंडिया से आए थे, वो यहीं आए थे, उनने भी प्रॉब्लम फेस की, मैंने भी प्रॉब्लम फेस की, तो वो कोई वो नहीं है एजेंट का काम नहीं कर रहे। वो ये है कि जहाँ वो काम करते हैं उनको, जिन लोगों से मिलते, जैसे मैं किसी से मिला, मैंने उसको बोला कि ये यार ये प्रॉब्लम है, ये वगैरह वगैरह है, तो कोई हेल्प हो सकती है, किसी के पास जॉब है, तो जिनके पास जॉब होती है वो बता देते हैं और फिर उन्हीं से हम प्रोवाइड करवाते हैं जॉब सबके लिए। तो ज़्यादा तो वैकेंसीज नहीं है हमारे पास अभी, मतलब उतने प्रोफेशनल काम नहीं है, प्रोफेशनल वर्कर है, उनके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, जो जिनको जो कोई वेल्डिंग का काम आता है, किसी को कुछ आता है, वेयर हाउस वगैरह में जो जिनका पहले से काम किया हुआ है, लोडिंग का, जो लोडिंग ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, लोडिंग के जो अपने पता नहीं यार मेरे को उसको लोडिंग मशीन बोलते हैं उसको, उनका जिनको चलानी आती है, ऑपरेट आती है, उन सब के लिए हमारी बात चल रही है। देखो कब से कब तक क्या होता है, तो जैसे जैसे हमारे पास में अपडेट आएगी, जैसे जैसे हमारे पास वैकेंसी आएगी, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बाकी मेरा सबको कहना यही है भाई, आओ तो सारी चीज़ क्लियर करके आओ। YouTube आपके पास में है, मैं कोई अकेला YouTube पे नहीं हूँ, बहुत से मेरे भाई हैं जो YouTube बना रहे हैं, और मैं सबको यही बोलता हूँ, जो भी मेरा क्रोशिया में भाई आ रहा है, जो आपका एक्सपीरियंस शेयर किया करो, जो भी मेरे नए भाई आ रहे हैं, भाई शर्म मत करो, जो मेरे नए भाई आ रहे हैं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिनके पास अच्छी वैकेंसीज हैं, अच्छी स्किल है, अच्छी पोजीशन पे हैं, वो तो वो वीडियो लगाओ यूट्यूब पे, हेल्प करो लोगों की। उससे क्या है कि पता है क्या, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो यूट्यूब के लिए थोड़ी बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ कि यार अगर किसी भाई की हेल्प हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, चलेगा नहीं चलेगा ये बात की बात है, यूट्यूब चलो कितने दिन मैं लोगों की हेल्प करता रहूँगा, कितने दिन नहीं करता रहूँगा, मैं कोई हेल्प वैसे हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ये थोड़ी है कि मैं कोई यहाँ पे कोई खुद की मेरी कंपनी और है, जिन कंपनियों में मैं काम कर चुका हूँ, जिनमें मैं कर रहा हूँ, जिनमें अपने यहाँ के लोग कर रहे हैं, जो अपने इंडिया के हैं भाई बंधु जो काम कर रहे हैं, उन्हीं से वैकेंसीज मिलती है, वही लोग बोलते हैं हम वहाँ काम कर रहे हैं, हमारे पास इतने बंदे की ज़रूरत है, तो वो प्रोवाइड करवा देते हैं, वो मेरे को बोलते हैं, मैं उनसे, क्योंकि वो माध्यम हो गया, मैं उनके पास YouTube चैनल नहीं है, वो माध्यम से मेरे माध्यम से बोल देते हैं, मेरे को बोल देते हैं भाई आप वीडियो अपलोड कर दो। और नंबर हमने एक कॉमन रख रखा है, इसलिए रख रखा है कि यार सारे भाई यही बोलते हैं भाई हमारा नंबर मत दो, तो हम हर किसी का नंबर नहीं दे सकते, लेकिन उनके थ्रू वो जो प्रोवाइड करवा देते हैं, कहीं ना कहीं थोड़े से रूल रेगुलेशन होते हैं, किसी के पास स्किल होती है और किसी के पास नहीं होती है। बाकी इंडिया से आप आ रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ, हज़ार बार मैं बोल चुका हूँ भाई, अपना लाइसेंस लेके आओ, अपना सारा कुछ क्लियर करके आओ, अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेके आओ, आपके डॉक्यूमेंट इंडिया में क्या काम आने, जब आप यहाँ पे हो तो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ काम आएंगे, वो सारे कुछ लेके आओ, कैरी करके चलो और कुछ सीख के आओ। अगर आपको स्किल है आपकी कुछ, या आप वहाँ हो, आपका वीज़ा लगने में टाइम है, तो कुछ सीख के आओ,
कुछ ऐसा सीख के आओ जो आपको यहाँ काम आ सकता है, जिनको पिज़्ज़ा वगैरह का उनका एक्सपीरियंस है तो वो बहुत अच्छा है। जैसे जो मतलब ये जो डोमिनोज वगैरह की हैं जिन पे बर्गर बनते हैं, पिज़्ज़ा बनते हैं और भी वो चीज़ें बनती हैं, इन चीज़ों का एक्सपीरियंस लेके आओ। आप इंग्लिश क्लियर कर सकते हो, इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट आप जॉब के लिए बोल सकते हो कि हमें जॉब की ज़रूरत है और वो आपको जॉब प्रोवाइड करवा देंगे। मैं बोलता हूँ क्योंकि वर्कर्स की ज़रूरत रहती है और सीज़न स्टार्ट हो गया वैसे भी रहती है। और सेंटर वगैरह जैसे ये जागरेब है, जागरेब तो मेन यहाँ का जैसे दिल्ली अपने इंडिया में वैसे जागरेब, तो यहाँ तो ये देख लो 12 महीने काम रहता है तो आपको जॉब मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। और जो मेरा भाई काम कर रहा है उनको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जिसको टाइम पे सैलरी मिल रही है वो काम मत छोड़ो। किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, कंपनी कैसी भी हो, काम हार्ड है हार्ड नहीं है, काम कोई भी करो हार्ड तो होगा, अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसमें आपको सैलरी टाइम पे मिल रही है तो भाई मेरा यही कहना है कि आप जॉब मत छोड़ो। क्योंकि सैलरी टाइम पे मिल रही है तो फिर आपको चाहिए क्या, पैसे कमाने आए हो यहाँ पे? काम तो हार्ड, आप कोई भी काम में जाओगे वो काम हार्ड ही, ईजी कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी ये काम आप करोगे वो काम ईजी नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाओ। बाकी भाई इतना ही था, ये लेके आएंगे आपके लिए नया वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर छोड़ दूंगा, बात करो भाइयों, मैसेज छोड़ो, कॉल मत करना भाई क्योंकि मैं भी ड्यूटी पे रहता हूँ, ड्यूटी से थोड़ा बहुत टाइम मिलता है इधर उधर, कभी कुछ सामान लेना हो, कभी कुछ हो, कभी किसी से मिलना हो, तो बहुत सारे काम होते हैं आपको पता है यार, 8-8, 10-10 घंटे ही ड्यूटी करने के बाद में 24 घंटे पूरे होते हैं, उसमें 10 घंटे की ड्यूटी कर ली, 8-10 घंटे सोना भी होता है, थोड़ा बहुत घर का काम भी होता है, खाना वाना बनाना भी होता है, फिर टाइम कितना मिलता है, 2-3 घंटे का टाइम मिलता है, उस 2-3 घंटे में बंदा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता आपको सबको पता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, पहले नहीं बोलते थे अभी बोलते हैं क्योंकि अभी सपोर्ट की ज़रूरत है भाइयों, अभी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि जितना ज़्यादा अपना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा उतनी ज़्यादा वैकेंसीज अपने पास में होगी, कंपनियाँ खुद चला के अपने को वैकेंसीज देगी, जिस दिन खुद देना स्टार्ट कर देगी, जैसे बड़ी कंपनियाँ हैं वो कंपनियाँ जिस दिन अपने को वैकेंसीज देना स्टार्ट कर देगी उस दिन ये देख लो कि कोई भी भाई मेरा यहाँ पर आया क्रोशिया में वो परेशान नहीं होगा। और ये जल्दी जल्दी शनिगढ़ में आ जाए यही दुआ करते हैं, देखो कब आएगा, बाकी देखो जनवरी के बाद पता चलेगा, 1 जनवरी को पता चलेगा या जनवरी के अंदर पता चलेगा कब आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है भाइयों, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, एक नए व्लॉग में, नंबर डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना नीचे।